Hello students, now we are taking the second method of the preparation of alcohol from alkene, and that is by hydroboration oxidation. अब इसमें आपको जनरली दो रिएजेंट्स याद रखने हैं. फर्स्ट इज B2H6, दैट इज डाइबोरिन, एंड सेकेंड H2O2 इन बेसिक मीडिया. ओके, जब भी आपको ये रिएजेंट्स दिखे मीन्स आपको पता चल जाना चाहिए दिस रिएक्शन इज ऑफ अल्किन टू गिव द अल्कोहल. अब देखो इसमें है क्या. अगर हमने प्रोपीन लिया और इसकी रिएक्शन फर्स्ट स्टेप में होगी B2H6 या तो फिर BH3, एनी वन कैन बी गिवन टू यू, एंड सेकेंड स्टेप H2O2 OH-, तो उस टाइम पे एक्चुअली होना क्या चाहिए, OH मिडल पे होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल. बट हियर बाय यूजिंग दिस रिएजेंट हियर मार्कोनिकोव रूल इज वायोलेटेड, मतलब यहाँ पे फॉलो नहीं होता है, और यहाँ पे हमें प्रोडक्ट मिलती है प्रोपेन वन ऑल फ्रॉम प्रोपीन. ओके, तो यहाँ पे हमें मिलेगा प्रोपीन में से प्रोपेन वन ऑल, मतलब मार्कोनिकोव रूल अप्लाई यहाँ पे नहीं हो रहा है. ओके, तो अब देखो हम याद कैसे रखें. फर्स्ट मेथड कौन सी थी, ये है हमारी मेथड नंबर 2. फर्स्ट मेथड कौन सी थी, एसिड कैटलाइज्ड ऑक्सीडेशन हाइड्रेशन. ओके, तो अगर हमने प्रोपीन लिया और अगर इसकी रिएक्शन हम कर रहे हैं H2OH+, मींस एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, सो फ्रॉम प्रोपीन at that time we are getting propane 2-ol. Okay, propane 2-ol product is obtained. But if we use the reagent in first step BH3, in second step H2O2 OH-, so at that time प्रोपेन वन ऑल हमें ये प्रोडक्ट मिलती है, मतलब यहां पे मार्कोनिकोव रूल अप्लाई होता है, यहां पे वायोलेट हो रहा है. हम कैसे याद रखें, तो देखो हम याद ऐसे रखेंगे कि अगर ये रिएजेंट देंगे जब भी आपको ये दिखे तब आएगा OH इनर साइड, मतलब अंदर की साइड आएगा, और अगर ये रिएजेंट दिखे तो OH आएगा आउटर साइड. चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम. सपोज हमने लिया Butte 1E, और सेम वे फर्स्ट इज H2OH+, सेकेंड इज BH3 एंड H2O2 OH-. तो अगेन ये बॉन्ड ब्रेक होगा. चलो अगर ये रिएजेंट यूज हो रहा है तो OH आएगा इनर साइड और H आउटर साइड, तो यहां पे प्रोडक्ट हमें मिलेगी Butane 2-ol. ओके, और अगर ये रिएजेंट हम यूज करेंगे तो OH आएगा आउटर साइड. सो इट इज Butane 1-ol. ओके, सिमिलरली चलो इसका नाम, इसका IUPAC नेम है 2-methyl propene. देयर आर 3 कार्बन एटम्स 1, 2, and 3, ऑन सेकंड कार्बन देयर इज मिथाइल ग्रुप, सो इट इज 2-methyl propene. और कॉमन नेम इसका याद रखो बच्चों, इट इज आइसोब्यूटिलीन. एंड हियर आल्सो
अगर इसकी हमने रिएक्शन की H2OH प्लस से और H2O2OH माइनस, तो अगर हमने ये रिएजेंट लिया तो OH आएगा इनर साइड, मतलब अंदर की साइड आएगा, और अगर हमने ये रिएजेंट यूज किया तो OH आएगा आउटर साइड। तो ओवरऑल नेम क्या होगा, ये होगा 2-methyl propane 2-ol, ये होगा 2-methyl propane 1-ol। कॉमन नेम की बात करें तो ये होगा टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल और ये होगा आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। ओके, तो इस तरीके से हमें यहाँ पे मिल रहा है ये दोनों प्रोडक्ट्स, मतलब इसके बेस पे तो कोई भी रिएक्शन हो पाएगी और प्रोडक्ट तो सेम ही होगी। ओके, तो बच्चों सबको समझ में आ गया होगा कि कौन सा टाइम पे कौन सी प्रोडक्ट मिलती है। अब हम देखते हैं इसका मैकेनिज्म कि क्यों हमें प्रोपेन 1-ol मिलता है, प्रोपेन 2-ol क्यों नहीं मिलता है। तो सपोज हमने प्रोपीन लिया और यहां पे रिएक्शन हो रही है किसकी, BH3 की, BH3 में ऐसे लिख रहा हूं, तो ये बॉन्ड यहां पे ब्रेक होगा, ये H आएगा यहां और ये BH2 आएगा यहां, तो फाइनली हमें क्या मिला, CH3 CH2 CH2 और उसके साथ BH2। फिर क्या होगा, इसकी रिएक्शन होगी अनदर मॉलिक्यूल ऑफ प्रोपीन, तो फिर से ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक H यहां पे और BH2 लास्ट में, तो फाइनली हुआ क्या पता है, बोरॉन, उसके साथ एक हाइड्रोजन और दो प्रोपीन के मॉलिक्यूल, मतलब दो प्रोपाइल मॉलिक्यूल यहां पे अटैच हो गए। ओके, नाउ दिस स्पीसीज इज रिएक्टेड विद थर्ड मॉलिक्यूल ऑफ प्रोपीन, सो फाइनली अब ये हाइड्रोजन यहां पे आ जाएगा और फाइनली हमें मिलेगा 3 times प्रोपाइल ग्रुप एंड बी। ओके, और इसका नाम है ट्राइप्रोपाइल बोरेन। देन अब यहां पे रिएक्शन होती है 3H2O2 और OH माइनस और हमें फाइनली प्रोडक्ट मिलती है प्रोपेन 1-ol एंड साइड में हमें मिलेगा H3BO3, इसका नाम है बोरिक एसिड। ओके, तो यहां पे बोरिक एसिड मिलता है। यहां पे मार्कोनिकोव रूल अप्लाई क्यों नहीं होता है, यहां पे देखो ट्राइप्रोपाइल बोरेन में से प्रोपेन 1-ol कैसे बनता है अब हम देखते हैं आगे। तो यहां पे था B, उसके साथ 3 times CH2 CH2 CH3, अब यहां पे रिएक्शन किसके साथ होती है वो हम देखते हैं। देखो हमने H2O2 और OH माइनस दोनों का कॉम्बिनेशन लिया था, तो पहले क्या होगा, ये पानी बना देंगे, तो मिला क्या, OOH, so that OOH is attached with boron। अब बोरोन की बात करें ना, बोरोन का एटॉमिक नंबर है 5, हीलियम 2, एंड 2p1। अब क्या होगा, जब ये एक्साइटेड स्टेट में आएगा तब ये एक इलेक्ट्रॉन
यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा उसकी एक्साइटेड स्टेट में, और फिर क्या होगा, नॉर्मली जो बोरोन थ्री बॉन्ड्स बनाते हैं तो वो थ्री बॉन्ड्स यहाँ पे तो बन जाएंगे, देख लो यही है 1, 2 एंड 3, बट हियर 1 ऑर्बिटल इज एम्प्टी, दैट्स व्हाई व्हेनेवर बोरोन मेक्स थ्री बॉन्ड्स इट हैज टेंडेंसी टू मेक द फोर्थ बॉन्ड बाय गेनिंग बाय एक्सेप्टिंग द लोन पेयर, क्योंकि एक पूरी एक ऑर्बिटल एम्प्टी है तो इसकी टेंडेंसी रहती है एक और पेयर अट्रैक्ट करने की, तो इससे क्या होगा ये पेयर यहाँ पे अट्रैक्ट हो जाएगी और हमें क्या मिलता है बी, फिर CH2CH2CH3, और यहां पे आया OOH। अब ध्यान से देखना बच्चों, यहां पे अब क्या होता है कि ये H2O यहां से निकल जाएगा और ये पूरा प्रोपाइल यहां पे माइग्रेट हो जाता है, तो हमें मिलेगा B उसके साथ एक OCH2CH2CH3 और बाकी के दो प्रोपाइल एज इट इज। अब क्या होता है कि जैसे एक OOH अटैच हुआ ऐसे और दो OOH मिलेंगे, मतलब 3H2 साइड में निकल जाएंगे और यहां पे हमें मिलता है दो, ऐसे लिख रहा हूं मैं OOH, और फिर माइग्रेशन होगा। सो फाइनली हमें मिलेगा बी के साथ 3 times OCH2CH2CH3, फर्स्ट वन, सेकेंड एंड थर्ड, और फिर ये पूरा प्रोपाइल मॉलिक्यूल यहां से रिमूव हो जाता है और जो हमें यहां पे एक और दो H2O जो फ्री मिलेंगे तो उसमें से H plus OH minus अलग होंगे, तो हमें यहाँ पे मिला CH3CH2CH2+ और फिर B O- 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 और फिर 3H+ यहाँ पे और 3OH- यहाँ पे, तो इस तरीके से हमें प्रोपेन वन ऑल मिलेगा। सो फाइनली वी आर गेटिंग प्रोपेन वन ऑल। ओके तो यहाँ पे हमें प्रोपेन वन ऑल इस तरीके से मिलता है, तो आप याद रखो, और ये सब जो मैंने दिया है एज एन एक्स्ट्रा इन्फो। ओके अपनी टेक्स्ट बुक की बात करें तो टेक्स्ट बुक में सिर्फ ये स्टेप डायरेक्टली दिया है, तो मैंने यहाँ पे स्पेशली ये स्टेप इलेवरेट करके आपको समझाया कैसे 3H2O2 ऐड होते थे। अपनी टेक्स्ट बुक में देखना आप डायरेक्ट 3 लिख दिया है, लेकिन कैसे मिला कैसे नहीं वो कुछ दिया ही नहीं है। ओके सो दस वी आर गेटिंग प्रोपेन वन ऑल एंड मार्कोनी कोर रूल इज वायोलेटेड। तो स्टूडेंट्स फिर उसके बाद आपको ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने हैं कि अगर मैंने ब्यूट वनिंग लिया तो दोनों कंडीशन में हमें क्या मिलेगा। ओके बच्चों तो अब यहां पे मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं लाइक पेंट वनिंग, तो दोनों कंडीशंस में आपको कौन सी प्रोडक्ट मिलती है, ए B2H6 H2O2OH- B Hex1in, अगर हम ये लेते हैं H2OH+ B2H6 and H2O2OH- C and D
तो ए बी सी और डी इनके प्रोडक्ट्स के आईयूपीएसी और कॉमन दोनों ने कॉमन सेक्शन में जरूर लिखे,